हाँ और क्या, उस हिसाब से खाना पीना खाएंगे, बॉडी को हेल्थ मिलेगा। हाँ किस चीज़ का सेलिंग हो, अब बताओ। हाँ, तो फिर तो क्यों नहीं खोलेगा। तो उसके बच्चे ऐसे करते होंगे। अच्छा, उसको हाँ। होने रहा था है? तो उस ग्रुप में, अब तो उनके ग्रुप में मेरा तो नाम आएगा नहीं, रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी। मैंने मेल तो किया था लेकिन आंसर नहीं आया। नहीं, बोलते तो बहुत प्यार से, बोलने की कला तो उनकी बहुत। नहीं, मेल के बारे में हम ही हमने भी बोला था लेकिन कॉल ने मेरे यहाँ था ना इंटरव्यू तो उसी समय, लेकिन क्या हुआ कि उस मेरे यहाँ का भी इमेज अब उनके यहाँ खराब हो गया। अब देखो इसमें क्या है, जब इस पर क्लिक करते हैं, अच्छा, नीचे कॉलिंग लगा हुआ ना, अब देखो हट गया ना वो है? वो क्या रहा है, इस पे आ जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ अच्छे सबको वन वन वन, अब क्या होता है अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो किसी एक का ही हो रहा है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये तीन एक साथ रहे और ये तीन एक साथ रहे, नहीं समझे? अगर मैं इसमें सब्जेक्ट डाल दूँ और इसमें क्लास डाल दूँ और यहाँ पे नाम दे दूँ, ठीक है। अब क्या होगा, इस छह में से सब आपस में है ना लिंक, लेकिन मुझे तो ये तीनों अलग चाहिए, ये तीनों एक ग्रुप में वो चाहिए। तो यहाँ पे जाओ और प्रॉपर्टीज में, और यह ना ग्रुप,
इसको कर दो GRP1। लेकिन ये फ्रेम में ही बनना था, फ्रेम में क्यों नहीं बन रहा है मेरे समझ नहीं आ रहा। हम अभी एक किए थे कि दो किए थे, इसको क्लिक किया, ये तीनों आपस में हो रहा है ना। कर लो इसको भी कर लो, हाँ लेकिन इसका भी GRP। अगर मान लो इसको डाटा को कहीं सेव करना है तो सेव होगा कैसे, अगर मान लो कमांड बटन डाल दिया थोड़ी देर के लिए तो इसका कोडिंग होगा। अगर मान लो यहाँ पर देता हूँ तो यहाँ एक से स्टार्ट होगा, अगर यहाँ पे इसके नीचे दो आए और जैसे 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 मैंने करूँ ना सबमिट तो यहाँ पे आ जाएगा फिजिक्स, यहाँ पर सा सेकेंड, फिर क्लिक करूँगा तो इसमें से चेक करेगा कि कौन लाएगा, इसमें से चेक करेगा कौन मिस समझे, तुमने समझोगे तो फिर टेक्स्ट बॉक्स किया यहाँ से थोड़ी देर के लिए ये मान लो यहाँ पे दे दिया। हो गया, मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे किसी का नाम नाम दूंगा और यहाँ पे सबमिट करूँगा तो यहाँ पे नंबर एक आ जाएगा, यहाँ बंदे का नाम आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे क्लास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने दिया रोल नेम, सॉरी रोल 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 1 2 3 कर देगा, उसको मैं ऑटोमेटिक कर देता हूँ, फिलहाल के लिए इतना करता हूँ। तो एक्शन तो सारा इसी पर हो, इस कमांड बटन से होगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या आएगा कोड, रिकॉर्डिंग बताओ ये नहीं, एक चीज बताओ इस समय से ये तो क्या कमांड बटन, ये है कॉम्बो का भी नहीं बताया हूँ, चेकबॉक्स पता है ना कि बता दूँ फिर से, और ये अच्छा नहीं नहीं उसको भी इसमें जोड़ देता हूँ, ये है लिस्ट बॉक्स, ये होगा टेक्स्ट बॉक्स, ये स्क्रॉल का ये भी नहीं बताया स्पिन, ये आ गया ये लेवल जो ये अभी जोड़ा हूँ, ये इमेज का एक है टॉगल, इसके अलावा कुछ है जैसे इसमें कैलेंडर होता था ऑफिस 7 में बहुत अच्छा, लेकिन इसमें हटा दिया है, मैंने हटा दिया मैंने इस सब पर बहुत काम कर चुका हूँ ऑफिस में, मैंने कह रहा है कि इस पर मैंने सर्च किया था नहीं है, फिर भी मैं गूगल से चेक कर लूँगा। अच्छा अब एक और इसको भी ले आओ यहाँ पे है ना चेकबॉक्स ले आओ, ये सारे फिर यूजर फॉर्म में भी स्टार्ट के आएंगे,
ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। इसमें क्या चीज बन जाएगा, चेक्स बॉक्स के लिए क्या बन पाएगा? नहीं, वो तो चेक बॉक्स का हमारा रिक्वायरमेंट कहाँ पे होता है, क्या इसमें बना सकते हैं बोलो संजीव को, चेक बॉक्स का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? चेकबॉक्स कहाँ पे होता है, यूज किया हूँ अभी मैंने? नहीं, वो तो हो गया, लेकिन अगर वो तो एक कंडीशनल हो गया, उसी चेकबॉक्स हम कहाँ पे? हाँ तो ट्रू तो होगा, लेकिन चेकबॉक्स कहाँ पे यूज होता है? अभी बताओ ना क्या दूं, वही तो सोचो। तो वो तो फिर वो हो जाएगा ना, लिस्टिंग हो जाएगा ना, लिस्ट हो जाएगा ना। अरे इतना फॉर्म भरे हो, इसका कुछ नहीं आ रहा है? नहीं, इसको भी कर देते हैं ना। टर्म वन तो फिर उसके लिए तो फिर ऑप्शन बटन हो जाएगा, ये जो ऑप्शन बटन या रेडियो बटन कहते हो और चेक बॉक्स में, फर्क ये है कि ऑप्शन बटन में हम कोई एक चूज कर सकते हैं, लेकिन चेक बॉक्स में मल्टीपल कर सकते हैं। तो भाई तो इसमें तो फिर ऑप्शन नहीं होगा ना, अगर किसी ने एक कर दिया तो फिर दो करने का ऑप्शन ही मत दो, जब दो करेगा तो एक का ऑप्शन। हाँ ये चीज हो, हाँ ये चीज कर सकते हैं। हाँ तो फिर उसमें वो हो जाएगा ना कंडीशन, फिर इसको रहने दो टर्म्स को, ठीक है? नहीं यार नहीं दे दिया। है ना, अब यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो एक्शन ले, जो पहला एक्शन क्या ले कि जो यहाँ आए नीचे आए और फिर ऊपर जाए और जो यहाँ नंबर रहे उसमें प्लस वन करके नीचे नंबर डाल दे, है ना? तो यहाँ पे देखेंगे रेंज ए 5000 डॉट एंड, अच्छा जीरो, है ना? डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आर, इसमें दे देते हैं इफ, अगर ये इज इक्वल
to blank, then r is equal to ones, ठीक है, else r is equal to वरना जब ये ऊपर गया था ना, ये डॉट प्लस वन, अगर क्लियर, अब मैं यहाँ पे क्लिक किया, होने रहा है, क्यों भाई तो वैल्यू तो नहीं है, यही पेस्ट हो रहा, ऊपर से केवल चेक हो रहा, ऊपर से केवल चेक हो रहा है, जब यहाँ गया नीचे, जब ये पहले गया नीचे गया फिर ऊपर गया, ऑफसेट 01, अगर यहाँ ब्लैंक है तो आर के वैल्यू, आर के वैल्यू हो गया 1, और ये क्यू दे दिया तो हो गया वहाँ पे 1, क्लियर। अब चला वन डॉट हो गया, ये गलत हो गया, नीचे नहीं करना है, ऑफसेट अगर वहां जाए, अगर ये वैल्यू है ग्रेटर देन 1 हो तो उस वैल्यू में 1 प्लस कर दे। अरे तो भाई अगर ग्रेटर क्यों नहीं, तो फर्स्ट अगर ये हो तो मैंने पूरा हटा दिया, अब बताओ क्या करो। हाँ भाई, इसमें कंडीशन ये लगेगा कि जब यहाँ से चले, जब इसको कमांड बटन क्लिक करे, तो जब यहाँ आए तो वो देखा, वो पहले देखे कि अगर कुछ नहीं है नंबर तब तो वो करे 1, नहीं तो प्लस करे। फर्स्ट बार में तो एक, लेकिन हम तो बनाएंगे ऐसे कि जब चले तो अगर वहाँ पे जाकर चेक करे, अगर कुछ नंबर नहीं है तब तो 1 करे, वरना प्लस करे। हाँ भाई, तो लेकिन जब इस एक कोड होगा तो इस केस में तो हर बार जाके 1 पेस्ट कर देगा नहीं? फिर वो कैसे होगा?
मैं समझ डाउट बना रहा हूँ फिर तो। अगर ये इजकल टू ब्लैंक हो तब इजकल टू वन कर दे, एल्स जब वहाँ जाएगा तो वहाँ जाके रुकेगा ना। इसको ये नहीं करके, ये नहीं करके, नहीं, करंट क्यों गया प्लस वन। अब देखते हैं, एक चीज बताओ, ये फर्स्ट में गया। अच्छा, नहीं, एक चीज, इसमें यहाँ पे चेक कहाँ कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट इसी को दे। विकास कौन हो गया, हो गया तो इसको तो फर्स्ट ही तो काम करना था ना। फर्स्ट वाला तो काम करेगा नहीं यार। अभी तो एक था ना आना, अगर यहाँ से वो यहाँ गया इजकल टू ब्लैंक। अच्छा ये तो ब्लैंक है, नहीं ऐसे देखते, इजकल टू रोल देन वन, ठीक है। अगर ये हो तो रोल, नहीं तो नहीं, ये आसान है। क्लियर, यहाँ तो दे कर देगा रोल, ये तो मैंने नंबरिंग का कर दिया, अब किसका चाहिए नेम का। तो यहाँ पे देंगे, क्या देंगे, कैसे करेंगे, लिखूंगा क्या यहाँ पे, क्या लिखूँ, ये तो है टेक्स्ट बॉक्स, मुझे यहाँ पे नाम चाहिए, तो यहाँ पे आप कोडिंग क्या लिखूँ। कैप्शन नहीं होगा इसमें, कैप्शन तो, ये कैप्शन कैसे होगा, ये तो होगा, इसकी तो वैल्यू होगी ना। कौन सा इसको, जे की जगह के करने से अच्छा इसको जे ही रहने दो। इस सब में क्या लिखोगे,
कर बुक मार एक सेकंड आप उसका भी सुन लो। कहाँ अच्छा दिख रहा है? इसमें बोल्ड का भी होना चाहिए। इटालिक होता है ना वो, एरियल का भी तो बोल्ड होता है ना। तो अब क्या लिखोगे कोड बताओ पहले। हाँ इफ वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू देन ओपी वन इज इक्वल टू पी एच वाई, ठीक है। एल्स इफ अरे भाई तो इसको ले लो ओपी इज इक्वल टू ऑप्शन बटन वन ऑप्शन, लेकिन वो तो वैल्यू आएगा लेकिन ये चेक है कि नहीं, ये तो ट्रू फॉल्स से पता लगेगा। नहीं, एक ऑप्शन तो आएगा। हाँ ठीक है, अब इसको वो नहीं रहने दो। टू क्यों करोगे, टू क्यों करोगे बताओ। चेक कर लेते हैं, है ना, काम कर रहा है। और फिर ये पूरा पूरा नहीं करेगा भाई, नहीं करेगा, नहीं करेगा। चार है ना, ग्रुप से कर सकते हैं, फिर कुछ और लिखना पड़ेगा तब। चाहिए टर्म, टर्म इज इक्वल टू इसमें
दोनों में भी क्लिक कर सकता है बंदा, है ना। तो हम लिखेंगे इफ चेकबॉक्स वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, मैंने अगर उसने टिक कर रखा है देन सी एच इज इक्वल टू टर्म वन, क्लियर। एंड इफ कर दो या फिर टर्न कर दो सी एच वन एंड सी एच टू, लेकिन इसके बीच में लगाना पड़ेगा कोमा, क्योंकि अभी अगर मैंने यहाँ पे किया क्लियर, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा कोमा, अब इस केस में ज्यादा दिक्कत कर रहा हूँ, लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा। टर्म वन कहाँ है दोस्त, टर्म में तो सी एच वन और सी एच टू आ गया ना, चेकबॉक्स वन और चेकबॉक्स टू आ गया, तो इसमें तो फिर दोनों आना चाहिए ना। टर्म में इन दोनों में से कोई एक होगा चेक तो भी आएगा सिंगल, हाँ आना है, देखो आ रहा ना, इस वन वाला में कोई इश्यू है, अभी देखते हैं। रुको, देखो यहाँ पे है ना टर्म वन है, ये गलत ये हो गया। अच्छा ये जो है एंड इफ के बाद आना था ना, हाँ कर रहे हैं ना, हो गया ये दो केस हो गया है। अब इसमें अब इसको कैसे हटाओगे टर्म को, बताओ कोमा को, स्पेस देकर तो हो ही जाएगा सोल्यूशन, मैंने कोमा पर वर्क करना है, तो फिर टर्म वन प्लस टर्म टू हो जाएगा स्पेस देके, लेकिन मुझे तो ऐसे ही करना है, अब कोमा पर वर्क करना है। क्या है यार लेफ्ट राइट का भी तो यूज करो, हाँ ठीक है कंडीशन बताओ क्या करोगे, तो फिर एक और इफ बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर ऐसा करो इफ चेकबॉक्स वैल्यू इज इक्वल टू वन एंड चेकबॉक्स टू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टू, तो आ जाएगा टर्म वन कॉमा टर्म टू, ठीक है। अगर
फॉल्स ट्रू टर्म वन और क्यों होगा भाई? तो रुकेगा क्यों? तो फिर इसको स्किप करना था। ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, इसको कुछ मिल नहीं रहा। अरे यार स्पेलिंग गलत है यार, उसने कुछ और लिया पकड़, हम लोगों का दिमाग कहीं और रहा चल रहा। अगर इस पे कर लोगे है ना, एक चीज और करना है, जब ये बटन क्लिक हो जाए ना तो ये तीनों पर से किसी पर चेक नो, बाय डिफॉल्ट चेक नो। तो इसको भी ब्लैंक करना है। तो फिर यहाँ से लिखो टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट बॉक्स से ये तीनों ऑप्शन बटन है ना, छ ब्लैंक में ऑफिस में कभी कोडिंग वगैरह किसी को करते देखे हो? सॉफ्टवेयर वाला का अपन आप देखे पेन वगैरह देखते हैं, यहाँ से कॉपी कर देता है, यहाँ जाकर पेस्ट कर देता है। हम लोग वही कर रहे हैं क्योंकि वो 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 उसका कोडिंग है। हाँ बस हाँ, तो वही चीज़ हम लोग देखते थे ना। अब इसमें अगर आपको लिस्ट बॉक्स है डालना, स्टेट का नाम तो डाल दो। एक है कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स का तो बताया नहीं ना, उन्होंने बताया लिस्ट बॉक्स बताया। तो ये सब इसमें जो एक सेकंड, ये तो समझ गए, ये है ना
को कॉम्बो नहीं बताए अभी, चेकबॉक्स समझ गए, लिस्ट बॉक्स, एक तो अलग अलग फीचर्स समझ गए क्या हो जाएगा, अलग अलग फीचर्स रहे समझ क्या हो रहा है। यह हो गया टेक्स्ट बॉक्स, ये है एसपिन का, जो एसपिन यहाँ नहीं था नंबर देता, ये भी एक नंबर ही देगा, लेकिन इसका हम इस पर कोडिंग कर सकते हैं कुछ भी। एसपिन का हो गया, यह है समझ गए, ये इमेज का, अब हाँ बोलो, हाँ ब्लैंक इसमें इसको रोकना है, हाँ तो उसको तो लिख सकते हैं ना, आसान है ना, उसको तो स्टार्टिंग में जाओ, लिखो इफ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक देन एग्जिट सब, मतलब पूरा सब बाहर, गलती कहाँ पे हुआ, लेकिन लास्ट में गलती पर। इसमें एक चीज और डालो कि ये 5 कैरेक्टर से कम का ले ही नहीं, मैंने 5 से, अरे भाई तो भाई तो मैं कह रहा हूँ कि 5 से कम का, ठीक है, राम स्थिर होगा, राम कुमार होगा, और टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू लेन लेस देन 5 देन, तो भी काम नहीं करेगा, तो काम तो नहीं करे, लेकिन फिर तो इसको तो खारिज है ना करना, तो फिर इस एनएस डिटेल, अच्छा इसमें एक चीज और करता हूँ, इसमें कुछ भी डालो, ठीक है, इसमें कुछ भी डालो स्मॉल या कैप्स में, वो कैप्स में लिया, ठीक है, तो हमारा कोडिंग में जब यहाँ था ना, इसको हम दे देंगे क्लियर, क्या अच्छा, एक चीज और, जब यहाँ पे कुछ टाइप हो इसका कलर हरा हो जाए, या फिर अगर ये टाइप न हो, अगर ये टाइप न हो तो ये इनेबल ही न हो, हाँ तो इसका कोडिंग कैसे होगा, इसका कोडिंग इस पर होगा या इस पे होगा, इसका कोडिंग इस पे, जब ये फील नहीं होगा तो ये एक्शन यहाँ नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगा, तो बेस तो इन्हें बना, मैं कह रहा हूँ जब तक ये कुछ टाइप नहीं होगा तब तक यहाँ पे इनेबल नहीं होगा, तो बेस तो ये है भाई, इस पर क्यों देखोगे फिर, ये तो यहाँ है, यहाँ क्लिक करेंगे तब होगा, तो हमें इस पर लगाना पड़ेगा, तो इस पर अब कौन सा ऑप्शन आएगा, इस समय से कौन सा इवेंट आएगा, चेंज ही आएगा है ना, इस पे लिखेंगे इफ टेक्स्ट, या फिर मी भी कर सकते हो, मी डॉट वैल्यू में मी नहीं आएगा, यहाँ नहीं आ रहा, मी का यूजर फॉर्मेट ठीक होता है, यहाँ पे नहीं आ रहा, इफ टेक्स्ट डॉट वैल्यू
जो इसका लेन है, लेन इजकल टू जीरो या फिर देन कमांड, नहीं नहीं कमांड बटन वन डॉट इनेबल इजकल टू फॉल्स है ना। इस फाइल को बंद करके खोलता हूँ, काफी देर हो गई। फाइल यही है, ठीक है बंद सर। देखो अभी है ना, इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। मैंने तो टू के भी तो डालना पड़ेगा ना, एल्स करके भी कर सकते हो ना। मैं भी घबरा गया था यार, मैंने भी सोचा क्या हो गया, एल्स ही काम करेगा। चेक करते हैं, जब यहाँ पे कुछ वैल्यू हो ना तब इसका कलर हरा हो जाए है ना, तो उसी कोडिंग में जाके करेंगे। हाँ कर लो कर लो। तो फिर वन डॉट कलर का कौन सा होगा, बैक कलर पे? भाई तुम्हारे तो नखरे बढ़ जाएंगे ऐसे फिर तो ज्यादा हो जाएगा। चलो करते हैं, देख रहे हो कोडिंग अब आ रहा है, अब कोई भी सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हो, ठीक है ना। इस पे क्लिक करो, लिखोगे इफ ऑप्शन बटन वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू true then epsilon button one dot back color is equal to one else
हटाएंगे ना, हटाएंगे। अच्छा बताओ, ये जो है कहाँ पे दिक्कत कहाँ पे? चांस पर रहा था, तो हो गया। अब इसको आपको सब पे करना पड़ेगा ना, हरा का तो होगा ही, हरा का तो इंडिविजुअल ही होगा, हरा का तो इंडिविजुअल ही होगा, हरा का तो इंडिविजुअल नहीं होगा। उसका कर सकते हो, बाकी का इसमें कर सकते हो। लेकिन तब भी तीन जगह लिखना ही पड़ेगा, इसमें अगर क्लिक हो, इसमें क्लिक हो, तो इन दोनों को व्हाइट कर दे, इससे अच्छा उसी को रहने दो, सिंगल सिंगल ही रहने दो। ये सब है ना, पता है बैकग्राउंड वगैरह कहाँ से आ रहा है, उसी प्रॉपर्टी से, जिसका दिक्कत है सर्च कर सकते हो, नेट पर सर्च कर सकते हो, चाहे इसे सर्च कर सकते हो, लेकिन ये सब वहीं से आ रहा है। ये जो है ना, ये यहाँ से भी आप ला सकते हो। अब तो इवेंट में कुछ बचाने, इवेंट तो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि ये सब तो सब इवेंट ही हो रहा है। इस पे लिखो तो हरा, नहीं लिखो तो, अब तो चेंज कर सकते जैसे मर्जी है। किसमें? स्कोरिंग का कोई देखने पाए है? ये तो आसान है, यहाँ पे जाओ, ये जो है ना, 1 2 3 है ना, फाइल को सेव किया, बंद किया, आ गया।
यार टूट टूट तो जाएगा, लेकिन